नमस्कार, मैं चूही और स्वागत करती हूँ आपका इन खबर में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार दिवाली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। आज यानी 11 तारीख को होने वाले अयोध्या दीपोत्सव में 21 लाख दीयों को सफलता पूर्वक प्रज्वलन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां भी कर ली गई है। आज रामनगरी में 24 लाख दीये प्रज्वलित किए जाएंगे। स्वयं सेवकों के संकल्प की सिद्धि का प्रमाण सरयू तट पर 24 लाख से अधिक दिए स्वयं देते दिखे, तो दूसरी ओर राम की पौड़ी पर गूंजती रामचरित मानस की चौपाइयां स्वयं सेवकों की थकान को हरती दिखी। उत्साहित स्वयं सेवक भी कभी जय श्री राम तो कभी जय सिया राम के उद्घोष से स्वयं के चेतनावान होने का एहसास कराते रहे। आशा के साथ आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु बन चुके घाट नंबर 10 पर दीयों से राम मंदिर मॉडल बनाया गया है। ललित कला विभाग के समन्वयक प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव और संयोजक डॉक्टर सरिता द्विवेदी 150 छात्र छात्राओं के साथ मंदिर मॉडल को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। समन्वयक के साथ ही स्वयं सेवक भी नंगे पैर दीयों को सजा रहे हैं। इस घाट पर आने वाले हर आगंतुक के जूते चप्पल बाहर ही निकलवा दिए जाते हैं। उल्लास उमंग से परिपूर्ण स्वयं सेवकों की भाव भगिमा बता रही है कि वो अपने निर्धारित लक्ष्य पर नजर के साथ ही समय पर काम पूरा करने को कटिबद्ध है। स्वयं सेवक वीरेंद्र सुमन गौरव साक्षी नितेश बताते हैं कि राम काज को पूरा किए बगैर विश्राम कहा। ऐसा कार्य करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। बुधवार से ही घाट पर दीयों को सज्जित करने का कार्य शुरू हुआ है। इस घाट पर 1,08,000 दिए रखे जा चुके हैं। घाट नंबर 9 पर विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र चतुर्वेदी और डॉक्टर मनीष सिंह स्वयंसेवकों के कार्यों को अवलोकन कर रहे हैं। स्वयंसेवक को हिदायतें देने के साथ ही उन तक पानी की बोतलें पहुंचाकर उनका हौसला अफजाई भी करते हैं। इस घाट पर दीयों को सजा रही स्वयं सेवक मांडवी तिवारी, अंशुमन गुप्ता, अनुज और संजना सिंह की भाव भगिमा ऐसी है मानो उनका हर दीप श्री राम को समर्पित हो रहा है। दीपक से जय श्री राम की आकृति स्वयं सेवकों ने उकेरी है। धनुष बाण स्वास्तिक सहित अन्य धार्मिक आकृतियों को दीयों से बनाया गया है। राम की पौड़ी मार्ग पर जगह जगह पर छात्राओं ने रंगोली भी सजाई है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इन खबर के साथ। जय सियाराम।